दमोह वनमंडल के हटावन परिक्षेत्र अंतर्गत वन समितियों विंकर्मियों पोषक अधिकारी और ठेकेदार की मिली भगत के चलते अवैध तेंदू पत्ता फर्ड संचालित किए जा रहे हैं, जिनमें सागर जिले के मजदूरों से तेंदू पत्ता तोड़ने का कार्य नकद भुगतान देकर कराया जा रहा है। इनसे तोड़ी गई पत्तों की गड्डियां को पास ही अन्य स्वीकृत फड़ों पर भेजने का काला कारोबार बड़े पैमाने पर धड़ल्ले से चल रहा है, जिससे वन विभाग को लाखों रुपए के टैक्स की हानि हो रही है। हटा वन परिक्षेत्र के चौरिया रजपुरा मार्ग पर जंगल में बीते 3 दिन से इस प्रकार के अवैध फड़ चल रहे हैं, जिसमें जमा गड्डियों का विभाग के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। ठेकेदार मजदूरों को 200 रुपए नकद भुगतान के माध्यम से खरीद रहे हैं। मजदूरों के पास न तो मजदूर कार्ड है, न ही इन्हें बोनस या अन्य सुविधा मिल पाएगी। इतना ही नहीं, यह जंगल पन्ना टाइगर रिजर्व क्षेत्र में है। ऐसे में यदि किसी जानवर या अन्य कोई घटना इनके साथ होती है तो कौन जिम्मेदार होगा? पत्ती तोड़ने आए? कहाँ से आए? बंदर है। कौन लेके आया आपको? चंदन। कितनी पत्ती टूट गई, तोड़ ली अभी तक आपने? बताए गिनवा दी आपने? कितने रुपए मिल रहे पत्ती ये सैकड़ा आपको? 200। नगद मिल रहा है कि खाते में जाएगा? नगद तो नहीं है। क्या बोला है चंदन सिंह ने? नगद करेंगे। नगद करेंगे। अवैध फल को कवर करने पहुंचे मीडिया कर्मियों को देखते ही तेंदू पत्ता की गड्डियां को भर रहे ट्रैक्टर मौके से भाग गए। मौके पर उपस्थित मजदूरों ने ऑफ कैमरा जानकारी दी। हालांकि वन विभाग के अधिकारी इस संबंध में कोई भी जानकारी देने से बच रहे हैं। हटा रेंजर प्रदीप शुक्ला तो ऑफिस में ही नहीं मिले और बहाना बनाते रहे। दमोह से श्रीकांत मिश्रा की रिपोर्ट।